हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो केएस एजुकेशनल 600 बेस्ट एमसीक्यू के सीरीज में एक और सेट देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज मैं आप लोगों को 200 बेस्ट एमसीक्यू जनवरी के मंथ का प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, ये आप लोगों का रिवीजन होगा। मैं जो क्वेश्चन देता हूँ आप लोग उसका आंसर तुरंत देने का कोशिश कीजिए। अगर आपने जनवरी के मंथ का रिवीजन कर लिया है पीडीएफ के थ्रू तो डेफिनेटली आज आप बहुत अच्छे से आंसर देने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका जनवरी के मंथ से बन रहा है मैंने वो सब एमसीक्यू यहाँ पर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन को। आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं आप लोगों को, बैंकिंग एंड क्विज अगर अटेम्प्ट करना है तो आप लोग डेफिनेटली वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, इन सभी क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैंने वेबसाइट का एड्रेस दिया है, आप जाइए 600 बेस्ट एमसीक्यू का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैं फिर से बता दूं क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को साथ में देते हुए चलना है। रॉस आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार वॉज रीनेम्ड एज डैस। रॉस आइलैंड जो अंडमान एंड निकोबार का है उसका जो नया नाम है वो क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब यहाँ पर दो और क्वेश्चन बिल्कुल अराइज हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है? दो और द्वीप है, दो और आइलैंड है जिसका कि नाम चेंज किया गया है, राइट? तो जो नील आइलैंड है अब उसको जाना जाएगा शहीद द्वीप आइलैंड के नाम से, और जो आपका हैवलॉक आइलैंड है उसको स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा। इजंट इट क्लियर है? नील आइलैंड को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा और हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाएगा, और जो रॉस आइलैंड है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप आइलैंड से जाना जाएगा। क्लियर है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस इट्स प्लान टू क्रिएट एन आध्यात्मिक विभाग बाई मर्जिंग दी सेवरल एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने यह स्टेप लिया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा आपका हुआ है। सो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। दीनदयाल वेटरनरी यूनिवर्सिटी ऑफ विच स्टेट प्रपोज टू सेट अप द फर्स्ट गॉट फर्टिलिटी लैब इन द स्टेट अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, गॉट फर्टिलिटी लैब। और ये फर्स्ट आपका किस स्टेट में होने को जा रहा है जिसमें कि 22 करोड़ का लागत रखा गया है? ये आपका उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अ बैंक इंश्योरेंस पैक्ट वॉज साइन बिटवीन विच बैंक एंड SBI Life Insurance to sell the policies of the insurer in over 3,200 branches of the bank. SBI Life Insurance का insurance policy को बेचने के लिए किस बैंक के साथ ये tie up हुआ है, यहां आपको बताना है। तो ये बैंक आपका कौन है? अलाहाबाद बैंक है। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा कि अलाहाबाद बैंक का टैगलाइन क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। लेट मी सी दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर हियर। SBI लाइफ इंश्योरेंस साइंड ए बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद डैश बैंक एमिंग, यहां पर देखिए क्या है पर्पस, एमिंग टू ऑफर ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर। क्या चीज है ऑफर, क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग सॉल्यूशन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है, इसके लिए किस बैंक के साथ टाई अप हुआ है? तो ये बैंक आपका सिंडिकेट बैंक है। सिंडिकेट बैंक का टैगलाइन मैंने दे दिया है, फेथफुल एंड फ्रेंडली। क्लियर है? अब आप यहां पर से एक बात बताइए कि सिंडिकेट बैंक का आखिर हेडक्वार्टर कहां है? विच इंडियन क्रिकेटर वॉज एडजस्ट रचेल हैहोई फ्लिंट अवार्ड, और यू कैन से दैट द विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड और विमेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द ICC। कौन सी ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसे कि ODI प्लस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दोनों मिला है और ICCI के द्वारा? तो ICC के द्वारा किसे मिला है? दैट पर्सन और दैट लेडी इज स्मृति मंधाना। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अलॉटेड डैश रुपीज फॉर द फंडिंग ऑफ एथलेटिक्स अंडर द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ 2020 ओलंपिक। तो कितना अलोकेट किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को द्वारा? टोटल 100 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है यहां पर। अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल हेडेड बाई डैश हैज सजेस्टेड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू स्टॉप सेटिंग अप न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम 2020। 2020 से नए इंजीनियरिंग कॉलेज को रोकिए और नहीं अब होना चाहिए, फिलहाल अभी जो है उसी में कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। ये किस कमिटी का रिकमेंडेशन है, किस कमिटी, और जो कमिटी का रिकमेंडेशन है, जो कमिटी इस पे वर्क करेंगे, वो कमिटी किसके द्वारा हेड किया जाना है, कौन इसके हेड है?
तो ये कमेटी के हेड कौन है? वीवीआर मोहन रेड्डी। क्लियर है? वीवीआर मोहन रेड्डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड परमिशन टू विच बैंक, विच पेमेंट बैंक, टू एड न्यू कस्टमर्स आफ्टर इट हैड इनिशियली बार्ड द बैंक फ्रॉम ओपनिंग बैंक अकाउंट इन जून 2018। किसे रोक दिया गया था और अब परमिशन दे दिया गया है? तो ये कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक है। Which country introduced new GAFA tax? GAFA tax किस कंट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? GAFA tax आपका फ्रांस के द्वारा लाया गया है। एंड GAFA किस चीज पे स्टैंड करता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। GAFA किस चीज पे स्टैंड करता है? Who took charge as the MD and CEO of Axis Bank following the retirement of Sikha Sharma? Sikha Sharma के रिटायरमेंट के बाद MD और CEO Axis Bank का किसे बनाया गया है? ये हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कृषक असिस्टेंस फॉर लेवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन कालिया स्कीम? बहुत चर्चित है ये कालिया स्कीम। वर्थ ऑफ रुपीज 10,180 करोड़ फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स। जो कालिया स्कीम है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है? ये कालिया स्कीम उड़ीसा के द्वारा आपका लाया गया है। सो राइट आंसर इज उड़ीसा। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट बैंड द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल एंड एयर कंडीशनर्स एसी बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ड्यू टू द ह्यूज डेब्ट ऑफ द स्टेट? ये किसके द्वारा आपका किया गया है? ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। सो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट अनाउंस दैट इफ ए फार्मर एज बिटवीन 18 to 60 ईयर डाइज, अगर 18 से लेकर 60 साल के बीच में किसी भी फार्मर का देहांत हो जाता है, देन हिज फैमिली विल बी पेड रुपीज ऑफ 2 lakh एज ए पार्ट ऑफ द कृषक बंधु स्कीम। ये किस स्टेट के द्वारा आपका इंट्रोड्यूस किया गया है? ये आपका वेस्ट बंगाल के द्वारा लाया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ए न्यू प्लेटफॉर्म नेम संवाद विद स्टूडेंट्स? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यू प्लेटफॉर्म लाया है जिसमें संवाद विद स्टूडेंट्स है टू पार्ट एज ए पार्ट टू इंकरेज the youngsters and outreach the program to each and every youngsters? ये चीज आपका किस ऑर्गेनाइजेशन ने लाया है? ये इसरो के द्वारा आपका लाया गया है। राइट, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has allowed one time restructuring of existing debt of up to dash rupees to micro small and medium enterprises MSME by 31st of March 2020। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपका रखा गया अमाउंट, ये कितना का अमाउंट है? अप टू रुपीज 25 करोड़। कितना है? अप टू रुपीज 25 करोड़। सी एच लोकनाथ डाइड, ही वॉज ए, ये क्या थे? ही वॉज एन एक्टर। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग नेशनल हेल्थ एजेंसी। नेशनल हेल्थ एजेंसी को रिस्ट्रक्चर करके क्या बनाया जाएगा? फॉर द बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका नाम हो जाएगा आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ एजेंसी के कारण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हो जाएगा। एजेंसी को रिमूव किया जाएगा अथॉरिटी से। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ 2017-18 2019-20 विथ बजट आउटले ऑफ रुपीज। बजट टोटल आपका आउटले पूछा जा रहा है। इसी तरीके का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में दिखता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कितना आउटले दिया गया है इसमें? टोटल यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो अलोकेट किया गया अमाउंट वो क्या है? 1,160 करोड़ रुपीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर फॉर्मर सेबी चेयरमैन टू डैश सजेस्ट। कौन है ये चेयरमैन? आपको नाम बताना है। टू सजेस्ट द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फॉर द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो ये पर्सन आपके कौन है? यूके सिन्हा, यूके उपेंद्र कुमार सिन्हा। नेम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी दैट हैज बिकम इंडिया लार्जेस्ट एएमसी आफ्टर गैप ऑफ कवर ओवर 2 ईयर एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ एसोसिएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये कौन है? ये एचडीएफसी है। राइट, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। नेम द इंस्टीट्यूट दैट साइन एमओयू विद द 7 पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज फॉर सेटिंग अप द सेंटर फॉर द एक्सेलेंस इन द ऑयल गैस एंड एनर्जी। ये कौन है? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है? ये इंस्टीट्यूट आपका बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे। रमाकांत आरचेकर पास्ड अवे, ही कोच्ड विच स्पोर्ट्स? ये किस स्पोर्ट्स के कोच थे? ये किसके? क्रिकेट के थे।
which district of Arunachal Pradesh has achieved 100% electrification under the Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, Saubhagya Scheme, jisko bola jata hai. Arunachal Pradesh ka kaun sa wo district hai? Aapko ye naam batana hai. The district is East Siang. How many monuments were declared as protected and of national importance by Archaeological Survey of India (ASI) in 2018 under the Ancient Monuments and Archaeological Site and Remains Act 1958? देखिए ये जो monument है, total monument, ये total कितना है ये आपसे सवाल है यहाँ पर. तो ये total है आपका 6 है. तो total 6 monuments को protected and the national importance का दर्जा दिया गया है. Indian banking sector witnessed over what percent hike in the cyber fraud in the financial year 2017-18 as per Reserve Bank of India report and trained on the trend and the progress in the banking 2017-18. Kitna ka aapka hike dekha gaya hai cyber fraud mein. To cyber fraud mein jo hike dekha gaya wo total kitna 50% approx 50% ka aapka hike hai total. To name the Indian who became the world's first female amputee to climb Mount Vision, the highest peak of Antarctica. Kaun hai ye person? Arunima Sinha. Three regional rural bank. Teen RRB hai, namely the Malwa Grameen Bank, Satlas Grameen Bank aur ek kaun sa Grameen Bank hai, jisko have been amalgamated into the single RRB aur ek single RRB aapka bana diya gaya. To ye teesra wala kaun hai? Punjab Grameen Bank. Seri Equipment Finance and which bank have entered into an agreement for financing the micro, small and medium enterprises MSME and agriculture sector? Seri Equipment kis bank ke saath partnership hua, kis bank ke saath ye agreement hua hai, ye kaun bank hai? And this bank is, let me tell, this bank is kaun hai ye? United Bank of India. और अब आप मुझे ये बताइए कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका टैगलाइन क्या है. दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कमेंट दिस. फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एग्जेम्प्टेड रुपी पेमेंट टू डैश दैट इट गेट फ्रॉम द इंडियन रिफाइनर्स फ्रॉम ए विथहोल्डिंग टैक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द नवंबर 5, 2018. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किससे एग्जेम्प्ट किया है रुपी पेमेंट से? ये कौन है आपका? ये नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी जो है NIOC, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी. विच स्टेट अनाउंस इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू 3 लाख, 3 लाख तक लगभग 6 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन. ये कौन सा स्टेट ने अनाउंस किया है? ये स्टेट आपका कौन है? उड़ीसा है. तो उड़ीसा से 2-3 आपका अभी मैंने बता दिया, जैसे एक कालिया स्कीम भी बताया, एक पीठा स्कीम भी आपका उड़ीसा से रिलेटेड. तो ये सब चीज दिमाग में आपको रखना होगा. नाउ विच रेलवे स्टेशन बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द साउथ सेंट्रल रेलवे SCR जोन टू होस्ट अ ह्यूज ट्राइकलर फ्लैग ऑफ 100 फिट टॉल पोल? ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? और ये रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बन गया साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का. ये कौन सा है ये आप बताइए, कौन सा है यहां पर? इसका सही आंसर फटाफट दीजिए. इसका सही आंसर क्या है? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन. डैश इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट हैज एस्टेब्लिश्ड ए ब्राह्मिन कॉर्पोरेशन एम टू हेल्प द पुअर पीपल्स ऑफ द ब्राह्मिन फैमिली बाय प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस. ये किस स्टेट को द्वारा किया गया जहां पर कि ब्राह्मिन फैमिलीज को, ब्राह्मण जो फैमिली होते हैं, जो ब्राह्मिन फैमिलीज है उसको असिस्ट किया जाएगा, पुअर जो हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा आपका लाया गया है और पहला ऐसा इंडियन स्टेट हो जाएगा जो कि ऐसा इंट्रोड्यूस कुछ किया है स्कीम जिसमें कि ब्राह्मण फैमिलीज, जो ब्राह्मण पुअर फैमिलीज हैं, उसको असिस्ट किया जाएगा फाइनेंशियली. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ डैश पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफर्ड बाय द स्टेट्स. ये बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए यहां पर? ये टोटल रखा जो गया है 70 पॉइंट रखा गया है, 70 पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स है. Name the country that passed a law to make Islam compatible with the socialism and the synthesize its within the next 5 years. China. Name the author of the book A Crusade Against Corruption launched by the vice chairman. Ye book ke author kaun hai? Ye book ke author Manohar Manoj hai. Union government approved setting up of the Center for the Classical Language in Das. Center for the Classical Language ye aapka kahan hona hai? Ye Trirur, Kerala hai. Trirur, Kerala. एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विच विल हैव अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ओवर 1 लाख बीइंग कंस्ट्रक्टेड.
जो बन गया है लगभग 1 लाख सीटिंग कैपेसिटी का वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ है? ये मोचेरा अहमदाबाद में है। डैस हैज बीन अनाउंस्ड एज द 33rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तमिलनाडु बाई बर्फिकेचिंग विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो 33rd डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु का बन गया है वो कौन सा है? ये डिस्ट्रिक्ट आपका कौन है? कलाकुरुची। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड ए 5-member हाई लेवल कमिटी अंडर डैश टू सजेस्ट द मीजर टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। ये कौन है? डिजिटल पेमेंट के लिए नंदन निलेकनी है। विच बैंक लॉन्च अ न्यू करंट अकाउंट विद द ऑटो स्वीप फैसिलिटी दैट विल एनेबल द बैंक्स असिस्टिंग एंड द पोटेंशियल न्यू कस्टमर्स टू ऑटो स्वीप इन एंड स्वीप आउट द आइडल फंड इन द करंट अकाउंट टू स्वीप द फिक्स डिपॉजिट एंड अर्न द हाई इंटरेस्ट। ये किसके द्वारा आपका लाया गया है? ये आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इज ग्रांटेड NBFC पीर टू पीर जो ये सर्टिफिकेट मिला है, किसे मिला है? ताकि वो अपने एक्सपेंड करें ऑपरेशन को और कहीं ना कहीं जो लोन डिस्पर्सल होता है वो 100 करोड़ तक का हो जाए उनका 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के एंड में। ये कौन है? ये है आपका इंडिया मनी मार्ट। विच कंपनी साइंड MOU विद द स्टेट रन ऑयल मार्केटिंग कंपनी टू इंश्योर द अवेबिलिटी ऑफ द फास्ट एक्स एट पेट्रोलियम आउटलेट अक्रॉस द इंडिया। ये कौन है? ये आपका इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। हु ज्वाइंस द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF एज द 11th चीफ इकोनॉमिस्ट। बहुत कॉमन क्वेश्चन, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, गीता गोपीनाथ। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द शेड्यूल ट्राइबस्टी स्टेटस टू द 6 कम्युनिटीज। ये 6 कम्युनिटीज का आपको नाम दिया गया है। ये किस स्टेट का है? ये आपका असम का है। मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन हैज अप्रूव्ड द ऑपरेशंस ऑफ द सी प्लान्स इन डैश अंडर द उड़ान 3 उड़े देश का आम नागरिक के 3rd प्रोजेक्ट में आपका ये अप्रूवल मिला है ऑपरेशन करने के लिए। नाउ इट्स द फर्स्ट आइलैंड ऑफ द इंडिया टू ऑपरेट द सी प्लान। अब देखिए ये हो जाने के बाद पहला आइलैंड ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ का है? ये आपका अंडमान आइलैंड है, राइट? अंडमान आइलैंड। विच बॉडी allowed tokenization of the debit, credit and the prepaid card transactions to enhance the safety of digital payment ecosystem in India? किस बॉडी ने यह किया है? किस बॉडी का यह अप्रूवल है, अलाउ किया गया है? दैट इज RBI। इंडियन आर्मी साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU ऑन द डिफेंस सैलरी पैकेज विथ विच बैंक। ये किस बैंक के साथ आपका MOU साइन हुआ है डिफेंस सैलरी पैकेज के लिए? कौन सा ऐसा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है। इसके पीछे बहुत सारा मोटो है और बहुत सारा पॉइंट है, मैंने ये सब कुछ PDF में दिया हुआ है, बिल्कुल एक बार चले जाइएगा क्या क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। नेम दी वेंचर कैपिटल एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बाई द नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2000 अंडर द कंपनी एक्ट which will launch its maiden early stage capital fund offer to agriculture and the rural enterprises। NABARD का, right? NABARD का ये जो venture capital entity बना है इसका आपको नाम बताना है। ये नाम क्या है? इसका नाम है नव वेंचर्स लिमिटेड, राइट? नव वेंचर्स लिमिटेड NABARD का, इसीलिए नव वेंचर्स लिमिटेड। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG रिलीज ए रिपोर्ट ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट FRBM। हु इज द 13th CAG ऑफ इंडिया? कौन 13th CAG ऑफ इंडिया हैं? ये कौन है? राजीव महर्षि। FRBM एक्ट, ये बहुत बार पूछा जाता है कौन सा एक्ट है, ये एक्ट 2003 का है, 2003 का। ये सब कुछ मैंने दे दिया, बिल्कुल जाइएगा। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन टाइड अप विद द विच बैंक विच इंश्योरेंस कंपनी। IRCTC कौन सा इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप किया गया है ताकि वो फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस दे पाएं एयर ट्रैवलर को? ये कौन है? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, राइट? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। और यहाँ पर एक हिडन इन्फॉर्मेशन ये है कि अप टू 50 लाख का ट्रैवल इंश्योरेंस होगा इन द केस ऑफ डेथ एंड लाइफ टाइम डिसेबिलिटी। तो 50 लाख का इंश्योरेंस है। India is set to become the world's dash largest consumer market by 2030 as per the future of the consumptions in the fast growth consumer market। ये रिपोर्ट किसका है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का। तो इंडिया का पोर्शन क्या हो जाना है? 3rd पोजीशन हो जाना है यहाँ पर। और अभी जो आप लोगों को पता है कि इंडिया का पोर्शन 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ये चीज़ 3rd बिल्कुल हो जाना है 2030 तक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिलीज इट्स लॉन्ग टर्म फॉरकास्ट विच स्टेट दैट इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2030।
अब देखिए इसका अगर सर्वे देखा जाए तो इंडिया सेकंड पोजीशन हो जाएगा और इंडिया सरपास कर जाएगा किसको, यूएस को सरपास कर जाएगा। हालांकि चाइना सरपास जो कर जाएगा वो 2020 तक ही कर जाना है, लेकिन यूएस को फिर सरपास इंडिया कर जाएगा और ये 2030 तक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। विच सिटी ट्रैफिक पुलिस लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड पुलिस ईआई फॉर द पब्लिक टू ट्रांसपोर्ट टू रिपोर्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट टू रिपोर्ट ऑन द ट्रैफिक वायलेशन टू पब्लिक टू पुलिस एंड टू कीप अ चेक ऑन द सेम। ये कौन सा आपका पुलिस ईआई जो एप्लीकेशन है, ये आपको किस सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया, किस सिटी ने यह लॉन्च किया है? ये सिटी आपका कौन है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। इंटरनेशनल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी अनाउंस एज इट्स 105th मेंबर। ये कौन है? यूएसए क्रिकेट। इंडिया लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज ओवर द सियांग रिवर विच वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। सियांग रिवर किस जो सियांग रिवर के ऊपर 300 मीटर का सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना है वो किस स्टेट में है, राइट? यहां पर आपको स्टेट का नाम बताना है, स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक 79th है और अगर देखा जाए फर्स्ट पोजिशन पे कौन है तो ये जापान है। साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव क्रिएटेड स्पेस फ्यूल बाय ट्रैपिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। स्पेस फ्यूल ये किस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है जिसमें कि ट्रैपिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विच वुड हेल्प टू कर्व द ग्रीन हाउस गैसेस। किस इंस्टीट्यूट ने यह किया है कारनामा? ये इंस्टीट्यूट आपका कौन है? ये आईआईटी मद्रास है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वी वेयर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड द स्टोरीज फ्रॉम रेफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। ये कौन है? मलाला यूसुफजई। विच बॉक्सर attained the first position in the latest women ranking released by the International Boxing Associations? ठीक है, यहां पर क्या बताया जा रहा है कि International Boxing Association, अगर आपसे पूछा जाए कि International Boxing Association का हेडक्वार्टर कहां पर है तो ये आप बताएंगे कहां? स्विट्जरलैंड में है, राइट? स्विट्जरलैंड में है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया कि किस बॉक्सर ने ये पहला पोजिशन लिया है अकॉर्डिंग टू AIBA, ठीक है, और वो भी कैटेगरी दिया गया 45 टू 48 कैटेगरी में है। ये कौन है? मैरी कॉम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड एन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम टू बूस्ट इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू डैश बाय 2022 तक इंडिया का टारगेट है कि $ ऑफ 60 बिलियन तक का आपको यहां पर एक्सपोर्ट पॉलिसी रखा गया इंडिया की तरफ से कि मुझे 2022 तक इतना कर देना है। Which will be the first Indian state to roll out universal basic income? Universal basic income किस पहले Indian state के द्वारा आपका लाया गया है और जिसे implement किया जाएगा 2022 तक? ये सिक्किम government के द्वारा आपका लाया गया है। Where was the Global Skill Summit 2019 theme जिसका है Skilling Youth Enabling Youth held? कहाँ पर आपका ये Global Summit 2019 हुआ था, right? ये कहाँ पर हुआ था आपका? ये आपका रांची में हुआ था। अब यहाँ पर रांची के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए कि इट इज़ दी ओनली स्टेट, ये बस और बस एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि 3 ग्लोबल समिट वेर ऑर्गेनाइज इन रो इन ओनली 4 ईयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बस 4 साल में ऐसा लगातार 3 बार ग्लोबल समिट हो चुका है और ये एक बस और बस पहला भारतीय स्टेट होगा। स्टेट 6 स्टेट नेमली उत्तर प्रदेश हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान एंड डैश कौन सा वो एक और स्टेट है साइंड एग्रीमेंट ऑन द रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा वो स्टेट है ये एक आपका और जो छूट गया है वो है उत्तराखंड। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द साइनिंग ऑफ द टर्म ऑफ रेफरेंस साइनिंग द टर्म ऑफ रेफरेंस दैट इज TOR दैट वुड गवर्न द एंगेजमेंट एंड डेजिग्नेटेड इंडियन एक्सपर्ट टू प्रोवाइड टैक्स असिस्टेंट टू विच कंट्री अंडर द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम TIWB ये कौन सा आपका कंट्री है ये कंट्री है इवस्तिनी, राइट? और ये जो एग्रीमेंट हुआ इससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा इंडिया को ताकि टैक्स के मैटर में हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख पाए। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर फॉर इंडिया फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी नेम द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन कहां पर ये है ये वडोदरा गुजरात में है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है
What is the rank of India in the 11th edition of EIU, that is EIU Democracy Index 2018? India ka jo position hoga, wo kya hai? Yahan par aapse pucha ja raha hai. India ka position 41st hai. Aur agar top mein koi hai, to wo kaun hai? Norway hai. Second position pe aapka kaun hai? Second position pe Ireland hai. थर्ड पे आपका स्वीडन है, फोर्थ पे न्यूजीलैंड है. तो टॉप याद रखिए कि नॉर्वे है और इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है, 41st है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिकॉग्नाइज डैश स्टील प्लांट एज आईजी मुदेन इन द नीदरलैंड, इन द नीदरलैंड एज मैन्युफैक्चरिंग लाइट हाउस. देखिए ये किस स्टील प्लांट को आपका ये अवार्ड मिला है, मैन्युफैक्चरिंग लाइट हाउस का. ये कौन है आपका, टाटा स्टील प्लांट है. Indian Space Research Organization ISRO chairman K. Sivan announced that India's first Gaganyaan manned mission to outer space would be launched by. ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? ये दो नया आपका निकला है लिस्ट, उसमें आपको पता है कि ये 20 दिसंबर 2021 का टारगेट रखा गया है. अब यहां पर बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए. जैसे चंद्रयान 2 मिशन जो है उसे लॉन्च किया जाएगा अप्रैल में ही. G-Set 20 सैटेलाइट जो कि हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी के लिए होगा उसे अक्टूबर 2019 में लगभग आपका लॉन्च किया जाएगा, राइट. और वेनस तक अगर पहुंचने का कुछ रखा गया है टारगेट तो 2023 तक का रखा गया है, राइट. और बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि टोटल ऐसा कितना इनक्यूबेशन सेंटर आपके पूरे कंट्री में डेवलप किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा इसरो के द्वारा. तो टोटल ऐसा 6 इनक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया जाएगा. Now, which state government government launched the अम्मा घरे एलईडी. ये अम्मा घरे एलईडी जो है ये आसाम उड़ीसा के द्वारा आपका लाया गया है. हालांकि ये जो है ये पीठा स्कीम के अंदर आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट. यहाँ पर पीठा स्कीम भी आपका हो जाता है कि पीठा स्कीम किस स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको बताना है ये उड़ीसा से रिलेटेड है. वेयर वॉज द 6th एनुअल वीमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल हेल्ड. विमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल कहां आपका हुआ था, ये आपका कहां हुआ था. सो राइट आंसर इज चंडीगढ़, चंडीगढ़ में हुआ था. अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इंपोज्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹10 ऑन द सिटी बैंक. सिटी बैंक के ऊपर जो पेनल्टी अभी लगा है वो टोटल कितना अमाउंट का लगा है, 3 करोड़ रुपीज का लगा है पेनल्टी सिटी बैंक के ऊपर. Which country become the first to win 1000 international matches as they defeated India? कौन सा वो कंट्री है? ये कंट्री और कोई नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया है. Tallest bronze statue 33 feet of Swami Vivekananda built at a cost of ₹17 crore was unveiled in Dash on the 12th of January 2019 to mark the 156th anniversary of Swami Vivekananda. ये कहां पर आपका हुआ है, ठीक है. सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 12th ऑफ जनवरी पे आपका क्या होता है, नेशनल यूथ डे जो कि स्वामी विवेकानंद के ऊपर ही रखा गया है. और ये अनवील किया गया स्टेचू ये कहाँ, रांची में किया गया है. तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बन जाएगा ना. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी वन फैमिली वन जॉब स्कीम अंडर विच दी एवरी फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब हैज बीन अलोकेटेड. ये आपका किस में या किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका लाया जा रहा है, ये सिक्किम के द्वारा है. प्राइवेट सेक्टर लैंडर IDFC बैंक चेंज इट्स नेम टू डैश. अब जो मर्जर के बाद, देखिए नाम तो पहले चेंज हुआ लेकिन ये मर्जर के बाद हो रहा है चेंज, ताकि अब जो नाम हो जाएगा नया वाला वो क्या नाम हो. क्योंकि जब IDFC और कैपिटल फर्स्ट का आपका यहाँ पर मर्जर हो गया तो ऑब्वियसली बात है नाम चेंज हो जानी है. अब जो नाम चेंज होगा उसका नाम क्या होगा, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज द कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹10 ऑन द गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जिन ने न्यू दिल्ली 352nd बर्थ एनिवर्सरी में ₹350 का कॉइन कमोमेरेटिव कॉइन आपका रिलीज किया गया है. मैकेडोनिया वॉज रीनेम्ड एज डैश ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट विद ग्रीस टू पुट एन एंड ऑफ 27-year राइवलरी. देखिए जो नया नाम है इसका नाम आपका क्या है, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया. नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड डैश, राइट, अप्रूव्ड एक्सट्रैक्शंस ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम द तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. देखिए तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है पहले ये याद रखना है आपको एनी टाइम, बाय द ONGC. ये जो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह कहाँ पर है ये आपसे पूछा भी जा रहा है, तो ये कहाँ है, त्रिपुरा में है. नेम द रोड सेफ्टी रोबोट. रोड सेफ्टी रोबोट जो कि चेन्नई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका रेडो है.
अब देखिए यहाँ पर एक हिडन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि चेन्नई जो है वो सेकेंड सिटी बन गया ये इंट्रोड्यूस करने के बाद, पुणे पहला सिटी था। When was the 71st Indian Army Day observed? 71st Indian Army Day कब आपका ऑब्जर्व होता है? ये जनवरी 15th में ऑब्जर्व होता है। The bilateral army exercise named IMBEX 2018-19 between the India and which country began at the चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ में जो आपका bilateral exercise हुआ था IMBEX के किस कंट्री के बीच हुआ था? इंडिया एंड म्यांमार के बीच हुआ है आपका। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जय किसान ऋण मुक्ति योजना? जय किसान ऋण मुक्ति योजना किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका लाया गया, जिसमें 50,000 करोड़ फार्म लोन जो है उसको मतलब मुक्ति दिया जाएगा फार्म लोन से, और ये किस स्टेट के द्वारा है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा है। विच टीम वॉन द प्रीमियर बैडमिंटन लीग 2019 दैट कंक्लूडेड इन बेंगलुरु? ये किस टीम ने जीता है? ये बेंगलुरु रैप्चर्स ने जीता है। हरा किसको है? तो मुंबई रॉकेट्स को। Where was the first one-day turtle festival celebrated on the 12th of January 2019? पहला turtle festival आपका कहाँ हुआ था? तो पहला turtle festival जो है ये आपका उड़ीसा में हुआ था, पुरी। अब यहाँ पर से एक बात आपको याद भी होगा, I think आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा ओली टर्टल, राइट? तो उससे इसको रिलेट कीजिए, टर्टल फेस्टिवल आपका उड़ीसा में है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द 10th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाई 2022, राइट? देखिए 2022 में कितना पोजीशन इंडिया को मिल जाएगा एविएशन मार्केट में, अगर देखा जाए तो एविएशन मार्केट में इंडिया का पोजीशन रखा गया है टोटल कि 2022 तक थर्ड पोजीशन हो जाना है एज पर द विजन 2040 डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द ग्लोबल एविएशन समिट, राइट? तो इंडिया का पोजीशन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा 2022 तक। डैश इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट डायनेमिक सिटी इन द 6th सिटी मॉन्यूमेंट इंडेक्स। वर्ल्ड का मोस्ट डायनेमिक सिटी में कौन इमर्ज हुआ है, राइट? ये इमर्ज आपका कौन है? बेंगलुरु है, जिसे क्या चीज के नाम से जाना जाता है? आईटी हब के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर यहां पर क्या है? बेंगलुरु है। वेयर डिड द मिनिस्ट्री फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनिका संजय गांधी इनॉग्रेटेड द रीजनल सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट NIPCCD? ये आपका कहां पर है? ये आपका बताइए कहां पर है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? मोहाली पंजाब है। एक और देखिए, डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द यंगेस्ट मैन टू क्लाइम द 7 हाईएस्ट पीक एंड वॉल्केनिक समिट अक्रॉस द ऑल कंटिनेंट, ये कौन है? सत्यरूप सिद्धांता। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ई फीलिंग and centralized processing center 2.0 project of the income tax department at a total cost of 4241.97 crore, and it will be implemented by which company? ये किस कंपनी के द्वारा implement किया जाएगा? ये आपका Infosys के द्वारा implement किया जाएगा। Reserve Bank of India announced that it will inject dash rupees into the system to increase the liquidity through the open market operation OMO, open market operation का full form भी याद रखिएगा। अब जो रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया है कि कितना रुपए इंजेक्ट करेगा वो OMO के द्वारा, तो ये टोटल अमाउंट क्या है? 10,000 करोड़ रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेशनलाइज द ओवरसीज बोरोइंग नॉर्म अलाउिंग ए यूनिफॉर्म बोरोइंग लिमिट ऑफ डैश रुपीज अ ईयर अक्रॉस द टेनर्स इन इट्स न्यू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ECB फ्रेमवर्क रिलीज। ये जो टोटल अमाउंट है ये क्या है आपका? 750 मिलियन का अमाउंट है। Security and Exchange Board of India SEBI issued the draft norm for commodity indices allowing the trading in commodity index based future and it has proposed a maximum weightage of 10% and minimum 1% for a constituent। ये जो आपका total maximum है ये 20% और minimum क्या है? 1% है। Name the goodwill ambassador of the World Health Organization for the leprosy elimination who has been conferred with the Gandhi Peace Prize for 2018। ये कौन है पर्सन? ये है योही सास्कवा। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट टेलीविजन चैनल याद रखिएगा डेडिकेटेड टू ह्यूमन राइट पहला ऐसा टेलीविजन चैनल है जो कि ह्यूमन राइट को डेडिकेट किया गया, ये कहां पर है? ये आपका लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। टू कॉमेमोरेटिव क्वाइन इन द डेनोमिनेशन ऑफ डैश 100 rupees and dash rupees were released to mark the 102nd birth anniversary of the late Tamil Nadu Chief Minister M.G. Ramachandran।
ये कितना है, एक तो 100 रुपीस का है और दूसरा जो आपका क्या है, दूसरा आपका 5 रुपीस का है। टू वेयर डिड द 4 डे लॉन्ग सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल कॉमेंस। वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल जो आपका हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल ये कहां पर हुआ है? हालांकि ऑरेंज एक जगह है जहां के लिए नामी है, तो वो कौन है? नागपुर, और यहीं पर आपका हुआ है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल कैचमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर विच जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इज प्रोवाइडिंग 1000 करोड़ रुपीज। ये कौन है? आपको त्रिपुरा पता है, त्रिपुरा, हालांकि त्रिपुरा अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसीलिए याद रखिएगा। और एक बात और यहां पर इंफॉर्मेशन है, टोटल 1447 डैम्स बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा हिली एरियाज, जो त्रिपुरा का हिली एरियाज है। और हालांकि त्रिपुरा के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 1447 डैम्स का सेटअप किया जाएगा, तो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है ये। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर डिफेंस सुभाष भामरे अनाउंस दैट डैस इन महाराष्ट्र विल बी द साइट ऑफ इंडियन सेकंड डिफेंस इनोवेशन हब आफ्टर द कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु के बाद जो दूसरा होगा वो कहां पर है? नासिक में होगा, राइट, नासिक में होगा। और इसमें टारगेट एक रखा गया है कि 2025 तक लगभग इंडिया को ऐसा बना देना है कि हम लोग टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टर में आ जाएं। इंडिया क्या हो जाए? टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टर में आ जाए। विच कंट्री विल होस्ट द 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन। किस कंट्री ने 14th सेशन का कॉन्फ्रेंस COP को होस्ट करना, ये आपसे यहां पर सवाल है। COP को कौन होस्ट करेगा, और वो भी क्या 14th सेशन? ये 14th सेशन इंडिया होस्ट करने वाला। अब यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन ये होगा कि इसके पीछे कारण क्या है, ये जो 14th सेशन हो रहा है इसका मेन कारण क्या रखा गया है? टू एड्रेस द इशू ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड द डीसर्टिफिकेशन, राइट। तो ये चीज यहां पर याद रखना होगा, लैंड डिग्रेडेशन एंड डीसर्टिफिकेशन। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस रीनेम्ड इट्सेल्फ टू विच ऑफ द फॉलोइंग। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर अब क्या रखा है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्टैंडर्ड को हटाया गया यहां से। मैरी ओलिवर डाइड एट हिज रेसिडेंस, वह क्या थी? आपसे पूछना है कि वह क्या थी, तो वह एक पोएट्री थी, मतलब क्या, एक पोएट था। Where did Prime Minister Narendra Modi launch India's first National Museum of Indian Cinema that portrays over a century old journey of movies in India? जो Prime Minister Narendra Modi के द्वारा launch किया गया National India's का first National Museum, ये कहाँ है? ये आपका मुंबई में है। Who will head the 11 member working group constituted by the Insolvency and the Bankruptcy Board of India? अच्छा, अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंसॉल्वेंसी यानी बैंकरप्शी बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो आपको यहां पर बताना है एम एस साहू, राइट। लेकिन यहां सवाल क्या है कि 11 मेंबर का जो वर्किंग ग्रुप है, राइट, टू कंस्टिट्यूट बाय द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्शी बोर्ड ऑफ इंडिया टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इंसॉल्वेंसी एंड सजेस्ट अ सुटेबल फ्रेमवर्क, इसके हेड आपको बताना है, इसके हेड कौन है? ये UK सिन्हा है। Government announced the Bharat Heavy Electricals Limited bill and which company are in dialogue to form a world-class consortium to initially build the first lithium-ion battery plant in India. और ऐसा अगर हो गया तो पहला lithium-ion battery plant इंडिया में बन जाएगा, right? तो ये कहाँ पर आपका, ये कौन सा आपका कंपनी है? ये कंपनी कौन है? Libcoin. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ डैज एंड द MD&CEO ऑफ द IDFC फर्स्ट बैंक। अभी नया नाम क्या हो गया? IDFC फर्स्ट बैंक। और इसके न्यू जो MD&CEO हैं, ये कौन है आपके? ये आपको सवाल यहां पर है, वी विद्यानाथन है इसके, मतलब इसका सही आंसर। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द LNT फैसिलिटी कॉल्ड आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स? देखिए, यहां पर एक राइफल है, राइफल आप नहीं बता सकते बल्कि गन बता सकते हैं, तो K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर गन जो मैन्युफैक्चर्ड होगा, ये किस जगह पर आपका होना है, राइट। तो यहां पर यही सवाल है, ये आपका हजारिया गुजरात में होगा। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंडक्ट 10% वीमेन इन द मिलिट्री पुलिस। देखिए, मिलिट्री पुलिस में लगभग 20% वीमेन्स को डाला जाएगा, और बिलो रैंक, देखिए, बिलो द ऑफिसर रैंक, पहले ऑफिसर रैंक के ऊपर होता था, लेकिन अब ऑफिसर रैंक से नीचे 20% वीमेन्स को लगभग रखा जाएगा, नियुक्त किया जाएगा।
Which state government has released the Startup and the Innovation Policy 2018-2023 to provide an innovative ecosystem for the startup registered in the state to make the state a global innovation hub by the startup by 2023? यह आपका किस state के द्वारा आपका है किया गया है? यह तमिलनाडु है. Where did Prime Minister Narendra Modi unveil a statue of Dr. Vikram Sarabhai, the father of Indian space program? ये कहां पर आपका unveil हुआ है? अहमदाबाद. Which city has been named as United Nations Educational, Scientific and the Cultural Organization UNESCO the World Capital for the Architecture for 2020? ये कौन है? कौन सा ऐसा city है जो कि UNESCO के द्वारा आपका किया गया है? ये Rio de Janeiro, Brazil है. Where did Defence Minister Nirmala Sitharaman launch a series of projects as a part of Tamil Nadu Defence Industrial Corridor, which is the worth of rupees 3038, मतलब 3338 करोड़ रुपीस का है. ये कौन है? ये त्रिचुपल्ली है. अब त्रिचुपल्ली जो है ना, ये सेकंड हो जाएगा. और पहला कहां था? अलीगढ़ था, मतलब यूपी में. Name the company that launched a new commerce platform Rewave in .in for handloom wavers under its project Rewave. ये किसके द्वारा आपका लाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है. When did Manipur, Meghalaya and Tripura celebrate their 42nd statehood day? ये जो एक ही साथ अगर तीनों का देखा जाए कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो तीनों है, ये जनवरी 1 में 42nd statehood day इन तीनों ने ऑब्जर्व किया है. The Flamingo Festival started at a Pulicket Lake and Nelapattu in Sulurpet Mandal of Das. ये कहां पर आपका है? आंध्र प्रदेश में है. और मेनली ये बर्ड्स पे होता है, ये फेस्टिवल बर्ड्स पे. सर्बिया का एक बर्ड होता है जो कि बहुत कलरफुल होता है. मेनली नेस्टिंग और ब्रीडिंग के पर्पस से वो लोग यहां पर आते हैं इस सीजन में. यहां ये जो मौसम होता है, ये इन लोगों के लिए काफी एडॉप्टेबल रहता है. The government decided to set up a standing committee on affordable medicines and health product to recommend price control and monitor price of specific drugs and health product. The committee will be headed by a member of committee jo hai head kiya jayega by a member of Niti Aayog. Which state declared the Pakke Paga Hornbill Festival as a state festival? Pakke Paga Hornbill Festival ek state festival ke roop mein kis state ne ise banaya hai, kis state ne ghoshit kiya hai? Ye aapka Arunachal Pradesh hai. Which company announced that it will create an independent institute for the ethics in artificial intelligence? Ek independent institute banega for ethics in artificial intelligence. Ye kiske dwara hai, kis company ke dwara aapka announce kiya gaya hai? Ye aapka kaun sa hai? Facebook hai. Who become the first cricket player to bag all three ICC award? I think bahut common hai, jisme tino hi frame mein agar dekha jaye ki टेस्ट के लिए देखा जाए या फिर ओडीआई के लिए देखा जाए, राइट? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ ईयर अवार्ड के लिए देखा जाए, ये तीनों ही अवार्ड किसने लिया है? विराट कोहली ने. रघुवीर सिंह भोला पास्ड अवे, ही वाज ए, ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ये हॉकी प्लेयर थे. डैश कंपाइल्ड द बुक टाइटल यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू योगा. ये एम वेंकैया नायडू के द्वारा आपका लॉन्च किया गया है. किसका कंपाइलेशन है? कौन ऐसे हैं जिनका ये कंपाइलेशन है? ये भारतीय संस्कृत पिथम का कंपाइलेशन है. What is the rank of India among the world most innovative countries according to the Bloomberg 2019 Innovation Index? इंडिया का अगर पोजीशन देखा जाए तो यहां पर 54th है. और टॉप पोजीशन पे कौन है? टॉप पोजीशन पे साउथ कोरिया है, जिसे कि टॉप पोजीशन मिला है. नेम द फाउंडर ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी सम्मान फाइनेंशियल सर्विसेज दैट वाज रिसीव्ड अप्रूवल बाय द आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. ये कौन है भाई जो कि फाउंडर है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के? ये पर्सन जो है, ये कौन है? अनुश्री जिंदल. व्हिच स्टेट हैज बीन रैंक द टॉप स्टेट इन टर्म ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विथ अ ग्रोथ रेट ऑफ 11.3% इन द फाइनेंशियल 2017-18? ये कौन है? विच स्टेट हैज बीन रैंक द टॉप स्टेट? ये स्टेट आपका कौन सा है? ये बिहार है. अगर देखा जाए कि टॉप स्टेट पे तो बिहार है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन पे आपका आंध्र प्रदेश है.
और अगर पूछा जाए कि थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो थर्ड पोजीशन पे आपका गुजरात है। इंडिया बिकम द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट मार्केट फॉर द ग्लोबल सीईओ। इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया का पोजीशन यहां पर फोर्थ पोजीशन है। अगर टॉप पोजीशन पे देखा जाए, टॉप पोजीशन पे आपका यूएस है और इंडिया अभी अभी यूके को सरपास करके फोर्थ पोजीशन पे आया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड ए लिस्ट ऑफ टॉप 10 थ्रेट टू द ग्लोबल हेल्थ इन 2019 एंड डेजिग्नेटेड द ईयर 2019 को डेजिग्नेट किया गया है किस नाम से, ईयर ऑफ एक्शन ऑन प्रिपेयर्डनेस फॉर हेल्थ इमरजेंसीज। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, जेनेवा। त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर बिप्लव कुमार देव लॉन्च एज द लोगो ऑफ त्रिपुरा टी इन अगरतला। देखिए, नीरमहल को लोगो बनाया गया त्रिपुरा टी का अगरतला में। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म ए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन इन द एरिया ऑफ अमराबाद एंड द कवल टाइगर रिजर्व। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का, ये कौन है, तेलंगाना। विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज भगवद गीता महोत्सव इन पार्टनरशिप विद द हरियाणा गवर्नमेंट टू हरियाणा गवर्नमेंट इन द फरवरी 2019 द फर्स्ट भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल इन 2020। किस कंट्री के द्वारा ये सब कुछ ऑर्गेनाइज होगा, ये कंट्री आपका कौन है, ये कंट्री मॉरिशस है। सो मॉरिशस इज योर राइट आंसर। विच बैंक रिकमेंडेड अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू फार्मर टू एलिवेट द एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस इंस्टेड ऑफ द यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम। ये किस बैंक का रिकमेंडेशन है, ये बैंक आपका कौन है, दिस इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज ओवरटेकन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू द बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड इन फॉर्म इन द टर्म ऑफ क्लेम सेटलमेंट फॉर द इंडिविजुअल डेथ इन फाइनेंशियल ईयर 18। अगर देखा जाए कोई इडा का एनुअल रिपोर्ट में ये है कि LIC को भी क्रॉस कर गई है ये कंपनी कौन है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। हु इज द न्यू MD एंड CEO ऑफ यस बैंक, यस बैंक के न्यू MD CEO कौन है, यस बैंक के न्यू MD CEO रणवीत गिल हैं। लसा फीवर किल्ड 16 पीपल इन विच कंट्री, लसा फीवर जो है वो किस कंट्री में लगभग 16 व्यक्तियों को मार दिया है, ये नाइजेरिया है। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप एयर स्ट्रिप, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप द एयर स्ट्रिप आफ्टर द सेंट्रल डिसीजन टू रेनोवेट एंड डेवलप अराउंड 400 अबंडेंट एयर स्ट्रिप्स अक्रॉस द इंडिया टू स्ट्रेंथन एयर कनेक्टिविटी एंड दिस इज झारखंड। विच PSU रिसीव्ड, विच PSU रिसीव्ड बेस्ट मिनी रत्ना PSU इन द स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर इन द फाइनेंशियल कैटेगरी एट अन अवार्ड फंक्शन हेल्ड इन द न्यू दिल्ली। ये कौन सा आपका PSU है, मिनी रत्ना PSU नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। कृष्णा शोभती पास्ड अवे, ये किस सेक्टर किस फील्ड से बिलोंग करती थी, ये कौन है, राइटर। वट वॉज द थीम ऑफ 9th नेशनल वोटर्स डे, 9 जो नेशनल वोटर्स डे है उसका थीम क्या था, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। नेम द हेड ऑफ द पैनल सेट बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू आइडेंटिफाई द डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर एंड ऑगमेंटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड इन दिस रिगार्ड। ये जो पैनल को हेड करेंगे ये कौन है, एंड दिस पर्सन इज प्रवीण कुटुंबे। फ्रेंच कंपनी बी बाउंड साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू बिकम पार्टनर्स टू प्रोवाइड डेटा कनेक्टिविटी थ्रू SMS इन एरिया वेयर देर इज नो इंटरनेट कनेक्टिविटी और द ओरिजिनल ब्रेकअप्स, और ये कौन कंपनी है, BSNL है। नेम द ऐप डेवलप्ड बाई द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर टू हेल्प विजुअली इम्पेयर टू रिकोगनाइज द करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स को रिकोगनाइज करने के लिए किस IIT ने ये कुछ डेवलप किया, दैट इज रूपर, ये आपका कौन है, रोशनी। तो जो ये ऐप है इस ऐप का नाम क्या होगा, रोशनी है। डैश वॉज अनाउंस्ड
as the Hindi word for the year 2018 by the Oxford Dictionary. Kis word ko Oxford Dictionary ne Hindi word 2018 ka darja diya hai? Ye kaun hai aapka? Nari Sakti hai. What was India's rank in the General Data Protection Regulation? India ka rank agar dekha jaye to kya hai? India ka rank aapka 6th hai. What is the India rank? India rank is 6th. Which state announced the Jeevan Sampark Project? Jeevan Sampark Project ne Jeevan Sampark Project jo wo kis state ne announce kiya hai with the partnership of UNICEF, that is United Nations International Children Emergency Fund, to inaugurate the inauguration of tribal fair also known as the Adivashi Mela. Kis state ke dwara aapka ye launch kiya gaya hai? UNICEF ke partnership ke through, ye aapka Odisha hai, right? So your right answer is Odisha. Which railway division bagged the number one position for the cleanliness in India in the train cleanliness survey by IRCTC? Kaun sa railway zone ne, kis railway ne, kis railway division ne ye back kiya hai ye award ko? Ye kaun hai aapka? Southern Railway hai. Who won the record 7th Australian Open? Acha, ab yahan par dekhiye do teen sawal bilkul uth sakta hai ki 7th jo Australian Open title abhi hua, isme male kaun sa hai, kisko hara kar jeeta, female kaun jeeta aur kisne kise hara kar jeeta hai? To ye jo aapka question banega yahan par se total 4 to 5 ban sakta hai. Male mein kaun hai? Novak Djokovic hai jisne ye title jeeta Australian Open ka. Haraya kise hai? Haraya aapka hai Rafael Nadal ko. Novak jo hai wo kahan ke hai? वो आपके सर्बिया के हैं. राफेल कहाँ के हैं? वो स्पेन के हैं. अगर वीमेन की बात की जाएगी तो वीमेन में आपके कौन किसने जीता ये टाइटल? जापान का नाओमी ओशाका ने जीता है. हराया किसे है? चेक रिपब्लिक का पेट्रा कोविटा को हराया है, राइट? ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. When was the Data Protection Day, also known as the Data Privacy Day in some part of the world to raise the awareness and the promote the privacy and data protection? Ye day kab observe kiya jata hai? This is January 28. Civil Aviation Minister launch kiye hain bhi ki India ka first geographical indication GI store at the Debolim International Airport in which state? Ye kis state mein hai? To ye aapka Goa mein hai. Which airport become the world busiest airport for the international passenger for the 5th consecutive year? Agar dekha jaye ki lagatar 5ve saal mein kaun sa aisa airport hai jo ki top position pe hai, world ka busiest airport hai, and this airport is Dubai International Airport. Which country received the award of the excellence for the best in show in New York Time Travel Show 2019? Kaun sa ye country hai jisne ye award jeeta hai, award of excellence, best in show, राइट? ये कौन सा आपका है? अपना भारत. ये कौन है? अपना इंडिया. विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्टेट ओवरऑल फॉर इट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द नेशनल कैंपेन दैट इज स्वस्थ भारत यात्रा ऑर्गेनाइज बाय द FSSAI, जो कि FSSAI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था. कौन सा ये स्टेट है? ये स्टेट तमिलनाडु है. Who is the author of the book Sahitya Academy Award winning novel Jindagi Nama? Jindagi Nama ke author kaun hai? Jindagi Nama ke author Krishna Shoboti hai. Shoboti. What was the rank of India in the Global Corruption Index 2018 released by the Transparency International? Transparency International ke dwara agar dekha jaye ki India ka position kya hai? India ka position aapka 78 hai. Aur agar dekha jaye ki jo sabse least corrupt country, तो लीस्ट करप्ट कंट्री में टॉप पोजीशन पे कौन है? लीस्ट करप्ट कंट्री कौन है? डेनमार्क है. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी प्रपोज ए न्यू सेटअप ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ REIT. अच्छा, बहुत बार ये देखा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज REIT एंड व्हाट इज INVIT. तो INVIT का मैंने बता दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. एंड व्हाट इज REIT? REIT जो होता है वो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, करेक्ट? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. Which state has the most number of the captive elephants as per the first survey of elephant in the captivity conducted in India? Ye kaun sa state hai? Ye Assam hai. Das won the Tata Steel Chess title at the Tata Steel Masters Chess Tournament held in the Visic NAG, the Netherlands. Kisne ye title jeeta hai? Tata Steel Chess title. Tata Steel Chess title जो जीता पर्सन है वो कौन है? मैग्नस कार्लसन, दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी फिलहाल चेस में, मैग्नस कार्लसन.
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज मैंने आप लोगों को बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था जनवरी मंथ का। अब बस और बस आपके पास फरवरी मंथ का बचा, और जो कि फरवरी मंथ का मैंने बहुत पहले आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप लोगों ने वो देखा तो बिल्कुल सही बात है। और बाकी पीडीएफ की बात रही तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए आपके पास जो एग्जाम है उससे पहले बस आपको रिवाइज करना है, ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, बस पीडीएफ के थ्रू एक बार इन सभी चीज़ों को देख लीजिए, आपके दिमाग में ये सब कुछ बात रहेगा। हालांकि मैंने डिस्कशन तो हर कुछ कर ही दिया है, फिर भी आप लोगों का सवाल होगा फरवरी कहाँ है, तो फरवरी मैंने पहले ही दे दिया था। तो मैंने जैन फेब मार्च अप्रैल ये फोर मंथ का बहुत अच्छे से आप लोगों को एमसीक्यू दिया है, अगर आपने पढ़ा तो बिल्कुल आपका स्कोर अच्छा होगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसा बिल्कुल करेंगे कि शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। एक और बहुत अच्छे सेशन के साथ मिलते हैं जो आप लोगों के लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।